हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों फ्यूचर टेंस में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस करवा चुकी हूँ। आज है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है बच्चों, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है वो वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और रूल्स हैं इसके कि सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज होगा, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बच्चों जैसे आपको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था ना कि दो कार्य, जब किसी वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो उसमें बताया था कि पहला जो काम खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह से हमारा फ्यूचर में है कि जब इस काल के वाक्यों में मुख्यतः भविष्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले समाप्त हुए जो कार्य, यानी जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होता है, उस वाक्य को जो हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो बाद में होने वाला कार्य, जो बाद होगा, बाद में बचे हुए जो कार्य हो, जो बाद में होने वाला कार्य होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसका जो वर्ड ऑर्डर है फ्यूचर इंडेफिनिट, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए कि वह सांप को मार चुका होगा, ही विल हैव किल्ड द स्नेक। ठीक, इसमें एक ही काम है कि सांप को मारने का हुआ है कि वह सांप को मार चुका होगा, ही विल हैव किल्ड द स्नेक। सेकेंड सेंटेंस देखिए अब कि सूर्य छिपने से पहले मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा। तो क्या है इसमें, पहले काम क्या है, दिल्ली पहुंचने का काम हुआ है और बाद में क्या है, सूरज छिपा है, यानी सूरज छिपने से पहले मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा। तो इसमें देखिए ये बनेगा, पहले हम बनाएंगे मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा, तो इसको हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आई आ जाएगा, मैं कि अब सब्जेक्ट हमारा मैं इसमें, तो आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर द सन सेट्स। ठीक, क्योंकि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा बिफोर द सनसेट्स। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कि इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद नोट लगाएंगे, फिर हैव, फिर उसके बाद यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज, यानी विल हैव का, विल सॉरी कि इस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल को लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर हम हैव का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, विल नोट हैव और शैल नोट हैव। तो इसका वर्ड ऑर्डर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह आज अपना कमरा साफ नहीं कर चुकेगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल नोट हैव क्लीन्ड हर रूम टूडे। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी, तो द ट्रेन विल नॉट हैव डिपार्चर्ड बिफोर यू रीच द स्टेशन। ठीक है, अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आपको पता ही है बच्चा, दो टाइप से बनते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या से शुरू होने वाले जब शब्द होते हैं, जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अब हमारे इसमें क्या लग रही है, विल हैव और शैल हैव लग रही है, तो अब हम सबसे पहले विल शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, क्या वह शाम तक अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो विल ही हैव लर्न हिज लेसन बाई इवनिंग। देखिए, क्या मेरे वहां पहुंचने से पहले वे खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव बीन ईटन द फूड बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, अब है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वे क्या कर चुके होंगे, तो व्हाट विल दे हैव डन बिफोर You reach at home. माली के पहुंचने से पहले लड़के कहाँ छिप चुके होंगे, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड आ रहा हमारा, कहाँ, ये देखिए इधर कहाँ, तो क्या आएगा, वेयर विल द बॉयज हैव हिडन बिफोर द गार्डन, बिफोर द गार्डनर, ये सॉरी, वेयर विल द बॉयज हैव हिडन बिफोर द गार्डनर रीच। ठीक, अब देखिए अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान है बच्चों, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं।
और साथ ही कार्य का जारी होने का समय दिया जाता है। इसके अफर्मेटिव के रूल्स हैं कि सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का यूज करेंगे और सब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज करते हैं। इसमें साथ में बच्चों पहचान है हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। देखिए एक तो कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, बाकी दोनों में एक सही सेम होता है, रहा होगा रही होगी रही होंगे होते हैं। अब इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें भी वाक्यों के अंत में होता होगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे, लेकिन इसमें साथ में समय दिया होगा। ठीक है, यही पहचान है हमारी कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। कंटीन्यूअस टेंस होगा तो केवल वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आएगा, और यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे तो होंगे, लेकिन साथ में इसमें समय भी दिया होगा। अब देखिए इसमें समय भी दो प्रकार से, एक निश्चित समय दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय होगा तो हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय होगा तो हम फोर का यूज करेंगे, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। वर्ड ऑर्डर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और जो टाइम दिया होगा वो। एग्जाम्पल लेके जूही 4 घंटे से मसाले सुखा रही होगी तो जूही विल हैव बीन ड्राइंग स्पाइसेस फॉर 4 आवर्स। वह 2 घंटे से व्याकरण पढ़ा रहा होगा, ही विल हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। ये वर्ड ऑर्डर है हमारा शैल प्लस विल शैल प्लस नॉट है प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर, फिर उसके बाद टाइम। देखिए एग्जाम्पल, मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा तो आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज। तुम शाम से एक आम नहीं खा रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। ऐसे ही इंटरोगेटिव बच्चों वही रूल है, क्या से शुरू हो रहा है तो विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, क्या बच्चा सुबह से रो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये बनेगा विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे पिछले हफ्ते से अपने घर की सफाई कर रहे होंगे, तो विल दे हैव बीन डस्टिंग देयर हाउस सिंस द लास्ट वीक। ठीक, और वाक्य के मध्य अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल शैल, और सेस वही नियम रहेगा जो कैसे शुरू में, बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एग्जांपल, मेरी मम्मी सुबह से नाश्ते में क्या बना रही होंगी, तो व्हाट विल माय मम्मी हैव बीन मेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। वह 4 साल से फुटबॉल कहाँ खेल रहा होगा, वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स। ठीक, कहाँ आ गया ना जो क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो ये अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी, पहले विल शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर हैव बीन, फिर सेस नियम जो वही है वही रहेगा। क्या वह सुबह से उसे गालियाँ नहीं दे रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन अब्यूजिंग हिम सिंस मॉर्निंग। और जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सेस जो हमारा रूल है वही चलेगा इसमें। वह 4 साल से वहाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों वाई विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल देयर फॉर 4 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है फ्यूचर टेंस खत्म हो चुका है, इसके बाद जो हम अपने आगे का जो हमारे ग्रामर में जो सिलेबस है उसको करेंगे। ओके, इसको आप जो है अपनी फेयर कॉपी में कर लें इस वर्क को सारे को, और अगर आपके समझ में कुछ नहीं आए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके।